ठीक है तो फिर लिखो प्रोडक्ट पे आ जाते हैं ना, बैक टू प्रोडक्ट पढ़ेंगे। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना का सीख लिया है, ठीक है ना। तो वेक्टर में हमने अभी एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा। सबसे पहले तो सुनो भाई, डिवीजन, वेक्टर डिवीजन पढ़ा है क्या? ऐसा कुछ भी होता नहीं है ना, ये मीनिंगलेस है। वेक्टर में कभी भी मत करना कि इधर से इधर डिवाइड कर दिया, अलाउड ही नहीं है ऐसा ऑपरेशन। वेक्टर में एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, पर डिवीजन जैसा कुछ नहीं होता। तो लिखो सबसे पहले, वेक्टर डिवीजन इज नॉट डिफाइंड। ये नहीं कर सकते ऐसा, इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बने हुए हैं। अभी पढ़ोगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़े दिन में, ठीक है? ठीक है, तो अपन ने क्या करा, डिवीजन डिफाइन नहीं करा, पर इसमें जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना प्रोडक्ट, वो दो तरीके के होते हैं। प्रोडक्ट को हमने डिफाइन कर रखा है, प्रोडक्ट को। अब प्रोडक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं वेक्टर्स में। एक हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा क्या होता है हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। याद रखो, दोनों वेक्टर्स के साथ ही होते हैं। स्केलर वाला भी वेक्टर के बीच में ही होता है, वेक्टर वाला भी वेक्टर के बीच में ही होता है। फिर इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब दो वेक्टर्स को तुम डॉट कर देते हो, तो उससे जो रिजल्ट मिलता है वो एक स्केलर होता है। और जो जब दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, उससे जो रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर होता है। हम दोनों को पढ़ेंगे एक एक करके। तो लिख लो भाई, सबसे पहले पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ए वेक्टर और से बी वेक्टर। इन दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह से करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। या तो कभी मल्टीप्लाई वगैरह ऐसा कुछ मत बनाना, डॉट मतलब डॉट ही बनेगा, इसका सिंबल होता है ना डॉट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हमने डिफाइन करा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। बस, तो ये एक तरह से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड को लिखने का एक तरीका और होता है, एरो हटा दो, ए बी कॉस थीटा, सिंपली ये याद रखना है तुम्हें। अब इसमें तीन पॉसिबिलिटी हैं। पहला केस भाई क्या हो सकता है, जो तुम्हारा थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री हो। जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है तुम्हारा, पॉजिटिव। तो तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा इस समय, पॉजिटिव। तो जब भी एक्यूट एंगल बनेगा तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होंगे ना, ये कॉस थीटा हो सकता है तुम्हारा पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो जब भी इस तरह का केस होगा तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्या हो सकता है भाई, थीटा तुम्हारा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। याद रखना, हम वेक्टर के बीच में जो एंगल डिफाइन करते हैं वो 0 से 180 डिग्री के बीच में डिफाइन करते हैं, ये पहले भी बताया मैंने। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव। मतलब अगर तुम्हें इस तरह से दिख जाए कभी डॉट, जिन दो को डॉट करना है, तो समझ लेना इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव, जब भी ऑब्ट्यूस एंगल मिले। थर्ड वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, अगर थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए, कॉस 90 कितना होता है भाई, जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर वेक्टर्स को डॉट जब करते हैं तो जीरो मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी हमको पता करना होता है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो क्या करो,
उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कर दो, अगर रिजल्ट जीरो आ जाएगा तो समझ लेना परपेंडिकुलर है, वरना नहीं। लिखो जल्दी। नहीं डिफाइन है, ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, आई एम द क्रिएटर, कुछ भी बना सकता हूँ। हाँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा बना देता, कॉस क्यूब थीटा बना देता, टेन थीटा, और कुछ नया फंक्शन बना देता बस, फिर उसका यहाँ पे ये काम नहीं होता जो काम ये करने वाला है डॉट, फिर वो फिजिक्स में तो मैं देखने को नहीं मिलता अगर मैं ऐसा कुछ बना देता। अभी जो बना रहा हूँ वो तो मैं बार बार देखने को मिलेगा, इसका काम है, इसका फिजिकल मीनिंग भी होता है ना, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं अभी आगे जाके समझाऊंगा इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। पहले तो नोट लिखो इस वाले का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, लिखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बताते हैं फिर भी भूल जाते हो, फिर गलती करके आ जाओगे एग्जाम में, ये छोटी छोटी चीजें लिखो नोट करके। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। अगर सोचो मैं किसी वेक्टर को उसके खुद के साथ डॉट कर दूं तो क्या होगा, मतलब मैं तुमसे पूछूं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, सेम वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री, तो कितना आ गया है तुम्हारा ए स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज ए स्क्वायर, ठीक है। मुझे बताओ भाई आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा, कि आई स्क्वायर, ये कहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज वन क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है एंड कॉस जीरो इज ऑल्सो वन, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या आया वन, तो ये तुम्हें याद रखना है, आई कैप डॉट आई कैप हो या फिर जे कैप डॉट जे कैप हो या फिर के कैप डॉट के कैप हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अगर खुद के साथ डॉट कर दोगे तो ये सारे के सारे बन देंगे, ये बहुत काम आते हैं। बताओ आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, ये आएगा तुम्हारा मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, आई कैप जे कैप के कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, इन सभी के बीच का एंगल कितना होता है 90, और कॉस 90 कितना होता है तुम्हारा, तो 1 × 1 × 0 कितना आया, तो ये भी अगला पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है, आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप कितना होता है जीरो, मतलब तुम खुद के साथ करोगे इनको सेम के साथ तो वन आएगा, किसी और के साथ कर दोगे तो जीरो आएगा। चलो बताओ क्वेश्चन सॉल्व करो, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अभी वाला डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो एक नंबर होगा, वो एक मैग्नीट्यूड होगा, दैट्स स्केलर, आई कैप जे कैप नहीं आएगा आंसर में, जीरो जीरो सही है। देखो कैसे करोगे, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए तो करते रहो, 3i कैप माइनस 4j कैप डॉट 4i कैप प्लस 3j कैप, कैसे करते हैं, पहले इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे ना, जैसे अपन नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं, और वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे डॉट लगाना है, तो क्या आएगा 3 × 4 तो 12 हो गया, ये तो नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा, आई कैप है ना, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है, 3i कैप डॉट 9i कैप डॉट j कैप यही आएगा। अब इसको इससे करो तो -16j कैप डॉट i कैप, इसको इससे करो -12j कैप डॉट j कैप। देखो पहले इसमें कोई डाउट है क्या, नंबर्स को सीधा मल्टीप्लाई कर दिया और जो वेक्टर थे यूनिट वेक्टर उनके बीच में डॉट डॉट लगाता चला गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे हमने देखा है कि जो एक दूसरे के साथ जब डॉट करते हैं इनको तो जीरो आता है, तो कौन कौन से जीरो हो जाएंगे, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये देखो हमने लिखा है जब खुद के साथ करते हैं डॉट तो वन आता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा,
ये आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा वन, और जे कैप डॉट जे कैप भी कितना हो जाएगा वन, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया जीरो, मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, मतलब दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। देखो अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो फिर अभी अपन इसका फॉर्मूला भी लिख लेंगे, पर फॉर्मूला के लिए याद होने से नहीं होता काम, है ना, समझ में भी आनी चाहिए चीज़ें, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। ठीक है, नोट करके लिखो, अगर ए वेक्टर हमारा एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप है, और बी वेक्टर हमारा एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, एक्स वन एक्स टू एक्स, देखो दूसरे के साथ करने पे तो सब जीरो हो जाएंगे, ये समझो पहले, तो खुद के साथ ही करें क्योंकि दूसरे के साथ तो जीरो होना ही होना है, तो एक्स वन को एक्स टू से करा, एक्स वन एक्स टू आया, आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा वन, इसको इससे करो बाय वन बाई टू, इसको इससे करो जेड वन जेड टू, ये सीधा आ जाता है एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू प्लस जेड वन जेड टू, सबको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो ना, एक्स वाले को एक्स से करो, वाई वाले को वाई से, जेड वाले को जेड से। ठीक है, अगला नोट लिखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या लिखते हैं अपन, ए बी कॉस थीटा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फर्क नहीं पड़ता कौन पहले और कौन बाद में, यहाँ पे रिजल्ट सेम ही आता है, जबकि अभी अपन आगे पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। देखो डॉट प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं, कुछ कह रहा है क्या कोई, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं किसी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल निकालने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को, है ना, जैसे मान लो अगला नोट लिखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना, किसी भी दो वेक्टर के बीच में तुम्हें एंगल निकालना है, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो बहुत आसान है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो, क्या होता है ए बी कॉस थीटा, तो क्यों कॉस थीटा क्या आ गया तुम्हारा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी, इसको यूज करके तुम कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हो, उनको डॉट कर दो और ए और बी के उनके मैग्नीट्यूड्स हैं उससे डिवाइड कर दो, तो उससे तुम्हारा एंगल निकल जाएगा ना, तो इसको तो इससे तुम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड कर सकते हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो, पी वेक्टर है कोई, पी वेक्टर इज थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, एंड क्यू वेक्टर इज देख लो भाई कुछ भी ले लो यार, फाइव जे कैप माइनस टेन के कैप, फाइंड द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, हाँ कितना आया, कर देते भाई, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं इनके ना, हमको पता है कि कॉस थीटा क्या होगा, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर पी क्यू, तो ये तीनों चीज़ें निकाल लेते हैं, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन, फोर इंटू माइनस टेन माइनस फोर्टी, कितना आया माइनस ट्वेंटी फाइव, तो इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, है ना, जीरो के कैप और यहाँ पे जीरो आई कैप, तो थ्री इंटू जीरो ज़ीरो, ये बीस और ये ज़ीरो, तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर कितना आ गया अपना 20। ठीक है, अब हाँ मॉट पी वेक्टर है ना, पी निकालना है तुम्हें, पी इज मॉट पी वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ, फाइव, क्यू कितना हो जाएगा मॉड क्यू वेक्टर, फाइव तो वहाँ निकाल लो और रूट फाइव, हाँ ना रूट फाइव आ जाएगा, रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, फाइव रूट फाइव, ठीक है क्या सही है ना, तो कॉस थीटा कितना हो गया अपना, यहाँ पे रख देते हैं तो ये आ जाएगा 20 बाय 5 इंटू फाइव रूट फाइव, तो ये आ गया तुम्हारा 4 बाय 5 रूट फाइव, ये तुम्हारा एंगल आ गया दोनों वेक्टर्स के बीच का, लिख लो आसान है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है हमको, प्रोजेक्शन बताता है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे ना, तो फिजिकल मीनिंग क्या बन रहा है इसका देखते हैं,
तो मान लो अपने पास दो वेक्टर्स है ना, जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। तो अगर मैं बोलूं कि मान लो मुझे बी वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए ए वेक्टर के अलोंग, तो क्या होगा बताओ? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। कई बार ऐसी जरूरतें पड़ जाती है ना, मुझे एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए होता है। मतलब एक तो एक्स वाई के डायरेक्शन में निकालना तो कॉमन है, कई बार एक्स वाई की जगह दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में निकालने की जरूरत पड़ जाती है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो वहां पर देखते हैं हम कैसे करेंगे ना। तो पहले तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, क्या उसका प्रोजेक्शन यही होगा बी कॉस थीटा, होगा या नहीं होगा बताओ? बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर के डायरेक्शन में क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज बी कॉस थीटा, दिख रहा है हमको सिंपली? तो भाई लिख देते हैं बी कॉस थीटा। तो अब इसमें डॉट का आ रहा है, बी कॉस थीटा आ रहा है, पर क्या होगा तुमको जब ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे नहीं दिए होंगे, अगर इस फॉर्मेट में दिए तो तब तो तुम सिंपली बी कॉस थीटा कर दोगे। पर तुमको वेक्टर कैसे दे देंगे, बोल देगा ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 7j कैप और बी वेक्टर है कुछ i कैप j कैप k कैप, बस तुमको ये दिया है, बने हुए नहीं मिलेंगे। तो फिर कैसे निकालें? तो हमको करना पड़ेगा इसको कन्वर्ट करते हैं कुछ। बी कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए। अब ए बी कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए कैप डॉट, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, है ना? और इसको ऐसे देखो ना, ए वेक्टर वेक्टर डॉट ए वेक्टर बाय ए, क्योंकि ए तो एक मैग्नीट्यूड है ना, नंबर है, ऐसे भी लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बाय ए। एंड ए वेक्टर बाय ए क्या है तुम्हारा, ए क्या, तो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्या है तुम्हारा, बी वेक्टर डॉट ए क्या है, याद रखना। तो एक तरह से तुम्हें ये आइडिया देता है ना, डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग, इसको सीधा याद रखना बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सिमिलरली तुम निकाल सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ये भी पूछ सकते हैं कई बार भाई, ए वेक्टर का बी वाले क्या डायरेक्शन में बताओ, तो वो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। और सिमिलर स्टेप्स फॉलो करोगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप। ये ध्यान रखना, इसको सीधा याद कर लेना ना, ए वेक्टर डॉट बी कैप। इसको भी बना के दिखा सकते हैं अपने ना, जैसे ए वेक्टर का बी के डायरेक्शन में निकालना है तो डाल दो ऐसे कंपोनेंट डाल दो, तो ये जो है ए कॉस थीटा, ये तुम्हारा ए वेक्टर का कंपोनेंट हो गया बी के डायरेक्शन में, बस तुम्हें परपेंडिकुलर डालना होता है। तो ए वेक्टर से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया बी वेक्टर पे, देखो कहीं कोई डाउट हो तो किसी का किसी के भी डायरेक्शन में निकाल सकते हो, जिस डायरेक्शन में निकालना है उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट कर दो, सीधा सा है। मुझे बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए, तो ए वेक्टर से डॉट नहीं करना, क्योंकि तुम्हें डायरेक्शन चाहिए ना यार उसका, ए वेक्टर का तो डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना चाहिए। तो इसके किसके साथ डॉट करेंगे, इसके यूनिट वेक्टर के साथ। देखो फाइनल रिजल्ट भी वही आ रहा है, बी वेक्टर डॉट ए कैप। तो ये एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में दे देता है हमको। देखो कोई डाउट है क्या इसमें, तो भाई यहाँ पे अभी प्रोजेक्शन पूछा, अब इसकी जगह ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई इसे प्रोजेक्शन की जगह कंपोनेंट की जगह वेक्टर कंपोनेंट बताओ। वेक्टर कंपोनेंट का मतलब तो बताइए, मतलब वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ दो, उसमें से एक पार्ट ए वेक्टर के लोगों, दूसरा उसके परपेंडिकुलर हो, अगर तुम्हें ऐसा कंपोनेंट चाहिए तो क्या हो जाएगा भाई, बी वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए ए वेक्टर के लोग, है ना, वेक्टर फॉर्मेट में। तो कंपोनेंट तो हमारे उसका मैग्नीट्यूड तो बी कॉस थीटा आ गया उस वेक्टर का, और डायरेक्शन क्या है उस वेक्टर का, ए वेक्टर वाला ना, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्या। अगर मैं वेक्टर कंपोनेंट पूछूं, मैं पूछूं भाई बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर के डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड तो बी कॉस थीटा आया था, और ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ए क्या। आ रहा है समझ में? तो बस हर जगह एक कैप एक कैप लगाते जाओ, एक कैप एक कैप एक कैप, तो क्या हो गया बी वेक्टर डॉट ए कैप ए कैप। याद रखना बी वेक्टर डॉट ए कैप एक नंबर है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इधर पे डॉट वोट कुछ मत लगाना,
समझ रहे हो ना, दो वेक्टर को जब डॉट करते हैं तो स्केलर मिलता है, ये कोई 20, 40, 60 कुछ ऐसा आएगा, उसको तुम किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो वेक्टर कंपोनेंट पूछेगा तो डायरेक्शन भी देना पड़ेगा तुम्हें, और यही है फिजिकल मीनिंग कि भाई अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ है ना, मान लो कोई बॉडी है ना, कोई ब्लॉक है, वो ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है इस डायरेक्शन में, पर उसमें मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, पर मान लो ब्लॉक इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है ना, तुम ब्लॉक है, तुम उसको रस्सी से पकड़ के खींच रहे हो किसी, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो तुम्हारा पूरा का पूरा फोर्स है वो उसको डिस्प्लेस करने के लिए यूज़ नहीं हो रहा, फोर्स तुम इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, फोर्स का जो ऐसा कंपोनेंट होगा सिर्फ वो इसको डिस्प्लेस करने में यूज हो रहा है, बाकी कंपोनेंट नहीं हो रहा जो नॉर्मल जा रहा है, तो मुझे फिर चाहिए होगा फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो वहां पर ये डॉट डॉट यूज में आ जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, अभी थ्रू आउट ऑफ फिजिक्स तुम्हें ऐसे 50 एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे फिजिकल मीनिंग समझ में आ जाएगा ना। अभी हम वर्क डन पढ़ेंगे एनर्जी में, तो वर्क डन वही होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, तो वहां पे और अच्छे से चीजें क्लियर होती जाएंगी तुम्हें।